करौली की बात करते हैं, जहां बालघाट बस स्टैंड पर रहने वाले लोगों और यहां से गुजरने वाले यात्रियों को अब गर्मी के मौसम में वाटर कूलर का ठंडा पानी पीने को मिलेगा। यहां बस स्टैंड पर छात्र नवेद उर्फ मोनू ने अपने छात्रवृत्ति के पैसों को इकट्ठा करके यात्रियों के लिए वाटर कूलर लगवाया है, जिसका उद्घाटन छात्र नवेद के द्वारा यात्रियों को वाटर कूलर का ठंडा पानी पिलाकर किया गया। मैं नवेद खान, मेरे अध्यापक शकील अहमद, इन्होंने मुझे बचपन में जब मैं नर्सरी क्लास में था तो मुझे ये सीख दी कि बड़े होके कुछ काम करना, और इसी के इन्हीं की सीख पे मैंने आज वाटर कूलर लगवाया है। मैं रोज ही ना देखता था गांव वासियों को हैंडपम्प पे गर्म पानी निकलता था उसको पीते हुए, इससे मुझे देखा नहीं गया। और मैंने अपनी जेब खर्च और मुझे छात्रवृत्ति मिली उससे मैंने जोड़कर और मेरे घर वालों की कुछ पैसों की सहायता लेके मैंने एक वाटर कूलर लगवाया। शकील अहमद और ग्राम बाल बंदरेटा से बिलोंग करता था, एक प्राइवेट स्कूल अखिल बाल विद्या मंदिर बालघाट में टीचर था, जहाँ ये बच्चा पढ़ता था वहाँ इसको रोज़मर्रे में खर्च के जो पैसे मिलते थे इसको मैं रोज़ देखता था, टोपियाँ ऐसी चीज़ें खाता। इससे मैंने एक दिन इनको बुलाया और कहा कि बेटा एक एक रुपया इकट्ठा करके अपन को कुछ जन सहभागिता में हाथ लबड़ाना। इसने उसी दिन से ठान लिया और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसे बच्चे भविष्य में एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ेंगे और देश ऐसे ही बच्चों के कंधों पर भविष्य पूरी तरह से टिका हुआ है, और मैं इनके हार्दिक शुभकामना और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यही मेरा हार्दिक अभिनंदन है।